जोकर एक ऐसा विलन जिसे हर कोई पसंद करता है, पर आखिर क्यों? ना ही जोकर थैनोस की तरह पावरफुल है और ना ही लोकी की तरह उसके पास शक्तियां हैं। और देखा जाए तो जोकर बस एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। पर हम जोकर को इतना पसंद क्यों करते हैं? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जोकर को हम इतना क्यों पसंद करते हैं? इसके कई सारे रीजन हैं। उसमें से एक रीजन है, जोकर इज अ मास्टर प्लानर। डार्क नाइट मूवी की शुरुआत में ही हमें ये दिखा दिया जाता है कि जोकर प्लान बनाने में कितना बड़ा मास्टर होता है, जो कि कितनी सफाई से एक बैंक रॉबरी को अंजाम देता है और बिना किसी खरोंच के गजब की टाइमिंग दिखाते हुए बसों के बीच में घुसकर गायब हो जाता है। और जब जोकर इन गुंडे बदमाशों की मीटिंग में बिना बुलाए मेहमान की तरह जाता है तो उसे पता होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आखिर वो गौतम के सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनके पैसे जोकर ने चुराए थे, जो कि जोकर को मार भी सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जोकर के पास एक स्केप प्लान होता है और इससे पता चलता है कि जोकर बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाता और उसके पास हर एक प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक प्लान होता है। यहाँ तक कि जब जोकर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था तो किसने सोचा था कि जोकर के पास इसके लिए भी एक प्लान होगा। और यही चीज़ तो हमें जोकर में अच्छी लगती है कि जोकर सिचुएशन के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि कुछ ऐसा कर देता है कि सिचुएशन जोकर के मुताबिक चलती है। और यही जोकर की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर हम बात करें जोकर के मैडनेस की, उसके पागलपन की, तो ये उसकी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हमें उसका फैन बनाती है। हमें ऐसा जोकर पसंद है जो करोड़ों रुपए चुरा के उसे आग लगा दे, जो ये जानता हो कि बैटमैन उसे मार सकता है पर उसके चेहरे पे डर की एक लाइन न नजर आए, जो बैटमैन की भी वाट लगा दे और बोले व्हाई सो सीरियस। रीजन नंबर 3, हीट लेजर्स एक्टिंग। जोकर हमारे अंदर है इसलिए हम उसे पसंद करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। पर दोस्त, जोकर तो पहले भी था पर उसे बहुत ज़्यादा फेमस हीट लेजर ने बनाया और कॉमिक के इस कैरेक्टर में हीट लेजर ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। डार्क नाइट मूवी में हीट लेजर ने इस कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभाया है कि शायद ही कोई और इस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से निभा सकता। हाँ, हमारे फिनिक्स सर ने भी जोकर के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया था और उन्होंने अपना 100% दिया था, पर हीट लेजर का जोकर हम पर एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है।